वेलकम टू माई चैनल बॉलीवुड ऑल। आदिल खान दुरानी जिस तरह से राखी के बारे में कह रहे हैं कि रितेश से शादी हुई थी और फेरे भी लिए थे और रितेश को बगैर तलाक दिए मुझसे शादी की, और राखी ने मुझसे ये शादी के टाइम पे ये कह दिया कि नहीं रितेश से मेरी शादी नहीं हुई, शादी होने वाली थी, रितेश मुझे धोखा दे के भाग गया, तो वो सारे सबूत दिखा रहे हैं। तो उसके जवाब में राखी ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक्स हस्बैंड रितेश को वीडियो कॉल भी की, लाइव कॉल की, तो देखें क्या कहा है उन्होंने, रितेश ने भी क्या कहा है, तो आइए देखते हैं सारे सबूतों के साथ। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहा है रितेश को सवाल? दूसरा सुनने में ही आएगा। हाँ अभी पूछो। हाँ पूछो। सबके सामने कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है उसने जो वीडियो दिखाया है ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया, पहले पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा लाइक हम लोगों का एक ब्राइडल सूट था जो सीन रिक्रिएशन था, उस टाइम उसी टाइम मैं और राखी मिले थे, तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि लाइक ऐसा और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया, उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था, और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया, वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था, मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं राखी लाइक मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं भी मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सकता हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है, शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था, एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में, एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ, एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है, क्या हो यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ, ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, कुछ लोग ने कमेंट्स किया दो पासपोर्ट क्यों, दो पासपोर्ट इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर्स एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ राइट ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है, तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ लंदन नहीं गए। रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चा है, क्या आप लंदन गए थे, क्या उस वक्त आप लंदन में थे? इन करते हो ना तो उसमें और पता है ईयू में इन कर रहे हो आउट कर रहे हो उसका स्टैंपिंग इनकम में कस दे से, ठीक है, कट रहे हैं नेटवर्क चलिए। आई थिंक वीडियो में रितेश वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं, ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको, वीडियो बहुत हो रही है राखी के आप लोगों का नेट ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए अभी हम लंदन में मिले थे, क्या हम एक कमरे में गए थे, तो उसके लिए इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया के लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी बड़ी झूठ नहीं, उसका कहना है रितेश, उसका कहना है रितेश जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007